हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर टू इज मैटर अराउंड इज प्योर, उसका ही नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और आज हम देखेंगे व्हाट इज अ सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो सस्पेंशन क्या होता है कि ये एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं आपको, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम पानी के अंदर सैंड मतलब यहाँ पर सोल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। जैसा कि अगर आप पानी के अंदर शुगर डालते हैं तो वो क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है। उसी तरह से अगर आप पानी के अंदर सोल्ट डालते हैं वो भी डिजोल्व हो जाता है, तो उसके पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं दिखते, ठीक है। नेक्ड आई से बिल्कुल आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम सस्पेंशन की बात करें, नॉन होमोजीनियस की बात करें, तो पानी के अंदर जब हम सैंड डालेंगे या चौक पाउडर डालेंगे या फिर वीट फ्लोर डालेंगे तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, ठीक है। और जिसके पार्टिकल्स हमें दिखते हैं वो एक टाइप का नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मीन्स सोल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो इट इज़ अ होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन द एक्टिविटी 2.2। तो एक्टिविटी 2.2 हम लास्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो आप अपनी वीडियोज जो है चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट में जरूर पिन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि ग्रुप सी में जो है हमने लिया था एक बीकर के अंदर पानी और उसके अंदर हमने डाला था वीट फ्लोर या फिर चोक पाउडर, ठीक है, जो डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन द एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड्स आर कॉल्ड द सस्पेंशन, ठीक है। अब क्या है, सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पानी के अंदर सैंड डालते हैं तो आपको सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो नजर आएंगे, वो डिजोल्व नहीं होंगे। सो पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, ठीक है। जैसे आप पानी के अंदर स्टोन डालते हैं, पत्थर या फिर ऑयल डालते हैं, तो आपको अच्छे से वो दिखते रहते हैं, ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होते, तो आप नेक्ड आई से भी उनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमें सिंपली समझ आ गया है व्हाट इज अ सस्पेंशन, कि सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होते और सस्पेंशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है सोल्यूशन से, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। तो इसका मतलब क्या है, जब आप पानी लेंगे, ठीक है, ये पानी है और उसके अंदर आपने सैंड डाली, ठीक है, मतलब थोड़ी सी मिट्टी डाली, तो उसके पार्टिकल्स हमें विजिबल होंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर विजिबल। अब क्या होगा कि जब वो पार्टिकल्स मतलब सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी जब आप पानी के अंदर डालेंगे, तो ऊपर से जब हम यहाँ पर लाइट स्कैटर करेंगे तो वो लाइट क्या होगी, वो पास कर जाएगी। इट मींस जो सस्पेंशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हम किस तरह से जो है सेपरेट आउट करते हैं, अगर हमने पानी के अंदर कोई चीज़ इस तरह की डाली जो डिजोल्व नहीं हो रही, तो आप फिल्टर आउट कर लेते हो सिंपली, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक था, सिंपल व्हाट इज अ सस्पेंशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन एंड उसके जो है डिफरेंस क्या होता है सोल सोल्यूशन और सस्पेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।